नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। श्री राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला गर्भगृह में स्थापित हो चुके हैं। रामलला की मूर्ति की झलक देशवासियों के सामने आ चुकी है। इस मूर्ति को कर्नाटक के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई है। आखिर कौन है मूर्तिकार अरुण योगीराज? मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। इनकी कई पीढ़ियां इसी काम से जुड़े हुए हैं। उनके पिता योगीराज शिल्पी एक बेहतरीन मूर्तिकार हैं और उनके दादा बसवन्ना शिल्पी ने बड़ियार घराने की महलों में अपनी कला दिखाई थी। अरुण मूर्तिकार का मैसूर राजा के कलाकारों के परिवार से संबंध है। दादा की भविष्यवाणी हुई सच। शुरुआत में अरुण योगीराज अपने पिता और दादा की तरह मूर्तिकार नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने 2008 में मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। हालांकि उनके दादा ने कहा था कि अरुण एक मूर्तिकार ही बनेगा और अंत में वही हुआ। अरुण एक मूर्तिकार बने और ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने साक्षात रामलला की मूर्ति बनाई। अरुण योगीराज ने बनाई है कई मूर्तियां। अरुण योगीराज ने सिर्फ रामलला की ही मूर्ति नहीं बनाई है बल्कि उन्होंने इससे पहले कई और भी मूर्तियां बनाई है जिसके लिए उनकी तारीफ भी की गई है। अरुण योगीराज ने इंडिया गेट के पास स्थापित सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट की मूर्ति बनाई है। इसके अलावा अरुण योगीराज ने भगवान आदि शंकराचार्य की 20 फुट की मूर्ति बनाई है जिसकी स्थापना केदारनाथ में की गई है। उन्होंने मैसूर में स्थापित भगवान हनुमान की 21 फीट की मूर्ति भी बनाई है। श्याम शिला पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण। अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला पत्थर को तराश कर किया है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट 3 इंच है जो देखने में काफी भव्य है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति में भगवान राम के कई अवतारों को तराशा गया है।